देश के अलग अलग हिस्सों में ठेकेदारी कर अच्छे खासे पैसे अर्जित करने वाले श्री रंजीत कुमार अचानक अर्श से फर्श पर पहुंच गए। कमाई के काफी पैसे डूब गए। जिंदगी बेपटरी होती जा रही थी। रंजीत कुमार ने कहीं पॉली हाउस में फूलों की खेती को देखा। उन्हें इन फूलों से अपनी बेपटरी हो रही जिंदगी को संवारने की उम्मीद जगी। कहीं कहीं से जानकारी इकट्ठा कर वे संरक्षित खेती से फूलों की खेती में लग गए। शुरुआत में उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिली। कुछ अपने पैसों को लगाकर श्री कुमार लग गए फूलों की खेती से अपनी जिंदगी संवारने। 3.25 एकड़ जमीन पर उन्होंने पॉली हाउस में जरबेरा और गुलाब की खेती की शुरुआत की। उन्हें अच्छी सफलता भी मिलने लगी, लेकिन इसमें अधिक इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत मूल्य ज्यादा लगने से और कभी रोग तो कभी कीड़ों के प्रकोप से फूलों की गुणवत्ता प्रभावित होने से वे परेशान भी होने लगे। अपनी परेशानी को लेकर वे कृषि विज्ञान केंद्र अगवानपुर बाढ़ पहुंचे। यहाँ के वैज्ञानिकों से हर संभव सहायता मिली। केवीके के सहयोग से जहाँ इन्हें फूलों की कटिंग और बडिंग तैयार करना आसान हो गया, इससे उन्हें नई फसल लगाने में लागत मूल्य में कमी आई, वहीं लगातार हो रहे रोगों के प्रकोप से भी निजात मिली। कृषि विज्ञान केंद्र से जैसे हम जो मशरूम का ट्रेनिंग लेने गए थे, तो उस टाइम वहाँ हम उन लोगों को बोले कि ऐसे ऐसा बात है, तो जो डॉक्टर साहब थे उनसे हम बोले कि सर ऐसा ऐसा है, हम फर्टिलाइजर बहुत चलाते हैं इसमें, मतलब एक महीना में 25,000-30,000 के टोटल खर्च मेरा लेबर कॉस्ट वगैरह लेकर के 47, 48, 49 के आसपास में, 1000 के आसपास में खर्च आ जाता है 3,000 स्क्वायर मीटर। वो बोले कि अरे इतना खर्च कैसे आ जाता है, ऑर्गेनिक वगैरह नहीं यूज करता है क्या, क्या मतलब कंपोस्ट वगैरह? हम सर यूज किए हैं, जितना हमको जितना समझ में आता है उस हिसाब से किए। अब हमको भी समझ में आ रहा है कि अगर इसको ढाने से कोड़ने से, एक तो ऊपर में परत जो काई टाइप का लगा हुआ था वो हट गया, दूसरे चीज जड़ में हवा लगा, जड़ में हवा लगने से यील्ड फिर ज्यादा आएगा। फर्टिलाइजर रेगुलर चलाने से ऐसा नहीं है कि खाली रेगुलर फर्टिलाइजर चलाते जाइए तो बस यील्ड ज्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कुछ उस टाइप का ट्रीटमेंट भी चाहिए, और ऑर्गेनिक वगैरह कंपोस्ट वगैरह बोले कि कंपोस्ट वगैरह इसमें डालिए, कंपोस्ट वगैरह नीम खली कंपोस्ट वगैरह बोले हैं यूज करने के लिए। अब रंजीत कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में पूरे आत्मविश्वास के साथ फूलों की खेती से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। इसके अलावा संरक्षित तरीके से शिमला मिर्च की खेती में भी हाथ आजमा रहे हैं। हाल में ही कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम की खेती में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। अब वे मशरूम से अपनी उद्यमिता को और भी विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। आज श्री रंजीत बड़े तसल्ली से अपने क्षेत्र में रहकर 6-7 लाख रुपए वार्षिक की आमदनी कर सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं और अपनी उद्यमिता को भी लगातार विस्तार दे रहे हैं। कह सकते हैं कि पॉली हाउस में फूलों की खेती ने रंजीत को फिर से फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है।